देश सहित मध्य प्रदेश में आम आदमी महंगाई की मार से काफी निराश नजर आ रहा है। कांग्रेस के सेवा दल ने बढ़ती महंगाई के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस सेवा दल द्वारा इंदौर सहित प्रदेश में महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इंदौर के कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट चुकी है, क्योंकि पहले ही वो कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान है और दूसरी ओर भाजपा सरकार एक महीने में 28 बार से भी अधिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाई है। महंगाई नियंत्रण पर मोदी की बीजेपी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अभियान पूरे देश में लागू हुआ। आदमी सेवा दल के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और आदरणीय इंदौर शहर के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अच्छा अभियान चल रहा, क्योंकि पूरे देश के अंदर देखिए डीजल के भाव या पेट्रोल के भाव या गैस की टंकी के भाव, तेल के भाव, खाद के भाव, अनाज के भाव, हर भाव कम से कम 2 गुना बढ़ चुका है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोरोना का फायदा लेकर रोज रेट बढ़ा रही है। आप देखिए 4 महीने में जब बंगाल का चुनाव होता है जब भाव नहीं बढ़ा है, परंतु इस 3 महीने के अंदर 27 से 28 बार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, गैस की टंकी भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए। पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका है और अब डीजल भी 100 रुपये पार हो चुका है। जैसे वर्ल्ड कप में हमने मैच जीता था वैसे लगता है कि मोदी जी भाव के अंदर पेट्रोल के अंदर अस्तर लगाने जा रहे, ला दिए डीजल के अस्तर लगाने वाले और तेल के अंदर दोहरी स्तर लगाने वाले, ऐसे मोदी जी जिन्होंने देश के अंदर बर्बाद कर दिया। देश में आम जनता बेचारी कोरोना महामारी से मर रही है, परंतु ये डीजल और बेरोजगारी से मर रहे हैं, आम जनता चिंता नहीं पाल रहे हैं। तो इसके विरोध में सेवा दल द्वारा पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया जा रहा है। इंदौर के अंदर मुकेश यादव के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है।